गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात क्या होती है बच्चों? बहुपद की घात होती है बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात। जैसे ये एक बहुपद है, हमारे पास बहुत पद हैं, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, इनको टर्म्स भी कहते हैं। इसमें चार टर्म्स हैं, चार पद हैं, तो हमें देखना है इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है। ठीक है, यहां देखो, यहां x की घात, घात मतलब चर की घात, चर है x, x की घात यहां है चार, पावर, जिसको पावर कहते हैं, x की पावर यहां है तीन, x की घात यहां है दो। तो सबसे बड़ी घात क्या हुई? यहां है चार, यहां है तीन, यहां है दो, यहां x की घात, यहां कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब यहां अप्रत्यक्ष रूप से लिखा है x की पावर जीरो। तो अब आप देखो, चार बड़ा है, तीन बड़ा है, दो बड़ा है या जीरो बड़ा है? चार बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब बहुपद की, इस पूरे बहुपद, ना केवल इस x की बल्कि इस पूरे बहुपद की घात होगी चार। क्यों होगी चार? क्योंकि यह x की सबसे बड़ी घात है इस पूरे बहुपद में। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम यहां आते हैं, यहां देखिए, यह है 36x² - 41x + 3x की पावर 5। अब आप देखो, यहां है x की पावर दो, यहां है x की, x के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब अप्रत्यक्ष है कि यहां x की पावर है एक, यहां है x की पावर दो, यहां है x की पावर एक, यहां है x की पावर पांच। आपने गुणांकों को नहीं देखना कि यहां 36 लिखा है या 41 लिखा है या 3 लिखा है, नो, आपने सिर्फ x की घात देखनी है। x की घात है दो, x की घात है एक, x की घात है पांच। तो दो बड़ा, एक बड़ा या पांच बड़ा? पांच बड़ा। इसका मतलब ना केवल इस x की बल्कि इस पूरे बहुपद की भी जो घात होगी वो होगी पांच, बहुपद की घात बराबर पांच। एक और इसका उदाहरण देखिए, यह है 5y² - 6y³ + 100y² 2। तो ये नहीं देखना कि यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 100 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गुणांक है, ये हमें देखने ही नहीं है, हमें देखनी है घात। यहां है y की पावर घात, यहां है y की पावर 3, यहां है y की घात 2। तो 7 3 2, इसमें से सबसे बड़ा क्या है? 7। इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी होगी? 7। ठीक है बच्चों, तो ये है बहुपद की घात। ठीक है, किसी भी बहुपद में उसकी जो चर है, यहां x की चर है, यहां y की चर है, ठीक है, तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी होगी, उसे ही बहुपद की घात कहा जाता है।